माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं गोला स्फीयर। गोला से संबंधित काफी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ यूपी पुलिस रेलवे वगैरह सब। तो सबसे पहले हम जो है गोले का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाते हैं। ये है हमारा स्फीयर और ये है हमारा हेमिस्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, ये है आपका अर्धगोला, अर्धगोला मतलब आधा गोला। जैसे कोई भी एक ठोस गेंद होती है वो हमारा एक गोले के रूप में होती है। शॉर्ट फुट होता है आपका, ये भी एक गोला है। फुटबॉल है वो जो गोले के रूप में होती है लेकिन वो खाली होती है, होता तो वो गोला ही है, ठीक है, लेकिन अंदर से खाली होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज होती है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये चीज होती है हमारी 4πr². अब स्टूडेंट हम आपको समझाते हैं कि गोले का क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों चीजें सेम होती हैं, क्योंकि गोला चारों तरफ से सेम सेम दिखता है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हमारा होता है 4πr² 4πr². चलिए अब हम लोग करते हैं अर्ध गोला। तो अर्ध गोले का आयतन, आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये है आपका अर्ध गोले का आयतन। इसके बाद आता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये चीज होती है आपकी 2πr² 2πr² केवल नीचे नीचे का, ऊपर की जो जो सतह कटी हुई है उसको छोड़ देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा होता है, ये कर्व सरफेस और ये ऊपर का दोनों जोड़ दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3πr² 3πr² ये सब चीजें आप अच्छे से नोट करिए। इसके साथ साथ हम आपको इसकी अगली वीडियो में यूपी पुलिस रेलवे एसएससी और बैंक वगैरह में गोले से आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखते रहिए, प्रत्येक वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आपके
कलीग्स वगैरह अड़ोस पड़ोस में सभी सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो सके, और हमारे बेल आइकन पे भी बटन जरूर दबाएं।